नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बस स्टैंड पर दो जेब कतरों को रंगे हाथों लोगों ने पकड़ा, पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। सागर के मुख्य बस स्टैंड पर बुधवार दोपहर को दो जेब कतरों को लोगों ने एक व्यक्ति के जेब से पर्स निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद मौजूद लोगों ने इन दोनों जेब कतरों की पिटाई भी कर दी। इसके बाद मौके पर गोपालगंज पुलिस की डायल 100 पहुंची और दोनों जेब कतरों को वाहन में बिठाकर गोपालगंज थाने ले आई, जहां दोनों जेब कतरों के पास से और भी रुपये बरामद किए गए हैं। फिलहाल गोपालगंज पुलिस ने दोनों जेब कतरों पर मामला दर्ज कर दोनों जेब कतरों से पूछताछ कर रही है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। क्या हुआ है यहाँ पे? निकाल दो यार, मास्क निकाल। हमारे बेटरक हुआ रहा है, जो पीछे से पॉकेट, मास्क पीछे से वो पॉकेट खींच लिया, फिर वो दूसरे लोगों ने उसको पकड़ लिया। इन दोनों ही ने चुराया था। क्या था बैग में? बैग नहीं, पर्स में। कितने पैसे थे? पैसे उसमें 18 के आसपास थे। आधार कार्ड ऊपर जी दोनों उसी में हमारी फोटो। मारपीट भी हुई है इनके साथ? मारपीट तो अब वो भाग रहे थे तो पकड़ना खेतान में। अरे तो पैसे और जेब कार्ड घूम रहे थे ना, एक की जेब कार्ड रहे थे उनके लाने पकड़ो, हमें तो यार मिल गई जेब में हाथ डालें पकड़ो। अच्छा, कितने पर्स वर्स तो चुराया था? हाँ, किसी के पर्स चुराया था, वो भी रखे, वो भी मिलो उनके जेब में, आधार कार्ड उनको सबको, सब सामान मिलो, और भी जेब काटे रहे उनके जेब में, बहुत सी पैसा मिले। फिर क्या पकड़ के क्या किया उसको पुलिस? यहाँ पे खींच के लाया तो पब्लिक ने दो तीन चार झांटा मार दी, उसके बाद पुलिस ले गई।